कमांडर किया तू? वजीर आलम शाह को उस्मान ने पकड़ लिया है और उन्हें जख्मी भी किया है। तुम जरूर मरोगे आलम शाह। सोचा ये था कि तुम बहुत होशियार हो, मगर हो इतने बेवकूफ कि उस्मान के हाथों पकड़े गए। उस्मान यहीं मरेगा, सोध में दफन करूंगा उसे। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, तुम यहीं कहीं हो वजीर। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। यह भी तो हो सकता है कि वो वाकई कूद कर भाग गया। उस्मान साहब ने सोच समझ कर ही ढूंढने को कहा है, वो यहीं कहीं होगा। फिर उन्होंने सिपाहियों को ढूंढने क्यों भेजा, इसका मतलब है उन्हें भी यकीन नहीं। इधर उधर की बातें बंद करो कोशिश, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ढूंढते हैं उसको। दुर्गत, वजीर आलम शाह, गैरत की मौत तुम मर भी नहीं सकते। चूहे की तरह बिल में घुस गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जमीन की तहों में भी छुप जाओ। सिपाहियों, ढूंढने में कोई कसर बाकी ना रहे, जरूर उसने निशान छोड़ा होगा अपने पीछे। हुजूर, वजीर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन यह तो वो सराय का मुहासरा कर रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं। गारत हो जाए लोग। ये क्या तू यहां क्या कर रहा है? ये ठीक नहीं है उस्मान साहब, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए। उसने अपने सिपाहियों को कब्रिस्तान भेजा है। यहां तो सिर्फ ये चाहता है कि वो वजीर को एक नजर यहां भी देखे। सिपाहियों, उस वजीर को ढूंढकर मेरे पास लाओ फौरन, लेकर आओ ताकि उसकी लाश के हाथों को पेश की जा सके। जल्दी जाओ। जैसा आपका हुक्म हुजूर। चलो सिपाहियों। मैं आ सकता हूं मेरी शेख? मोहतरम, मंगोल जंगजू ने हमें घेर लिया मेरे शेख। शेख मोहतरम, हमें आपके हुक्म का इंतजार है। अभी तक हम सब ने अपनी तलवारों को म्यान में रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है। उस्मान सराय में है। क्या तूने हुक्म जारी किया है कि
कोई भी उस्मान की मदद करने की कोशिश ना करे। जो भी उसकी मदद करेगा मारा जाएगा। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। जो कुछ तुमने कहा हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। दरगाह को हमारे जंगजुओं ने पूरी तरह घेर लिया है। अगर तुम में से किसी को मरने की ख्वाहिश है तो वहां जा सकता है। चलो। जनाब, ज्ञातु का सिपाही सलार आ रहा है, वो निहत्ता है। मतलब कि वो लड़ना नहीं चाहता बल्कि कि हाथू का मुंतकिल किया हुआ जहर थूकने आया है। आने दो से, आने दो से। उस्मान साहब, बोलो। क्या तू आपको अपने पास बुला रहा है? उसे यकीन है कि आप उसकी बात मानेंगे। हाथू की कोई चाल हो सकती है उस्मान साहब, मेरी माने मत जाए। दुर्गुत सही कह रहा है, अगर हम सब एक साथ यहां से निकलते हैं तो हमें कुछ मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप वहां अकेले गए तो हम भी आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसके सिपाहियों ने दरवाजा नहीं तोड़ा और ना ही धावा बोलने की कोशिश की, और यह कि वजीर हमारे पास है उसे मालूम होगा, यानी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वजीर हमारे पास है। ताहम सिपाहियों, इस सराय के मालिक हम हैं, इस रियासत के मालिक भी हम हैं, और वो वजीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगा इससे पहले कि मैं ग्यातू से मिलूं जाके। उस वजीर की लाश मेरे सामने लेकर आओ जल्दी। जो आपका हुक्म हो। उस्मान साहब, उसकी चालों से होशियार रहिएगा। मैं यहां आपके साथ शाना बशाना लड़ने के लिए आया हूं। मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा। यह लड़ाई जुबानी होगी। जाओ, सिपाहियों के साथ वजीर को तलाश करो। आपका हुक्म सर आंखों पर।
तुम फिर से मेरे सामने खड़े हो। अपनी सरजमीन पर हूं मैं, सोत में हो तुम इस वक्त। तुम्हारी जमीन मेरी तलवार के नीचे है। मैं इस पर कब्जा नहीं करूंगा, बल्कि इसे तबाह कर दूंगा। मैं कैद नहीं करता, बल्कि शहरों पर हमला करके सरों को काटता हूं। जाहिर है तुम हथियार नहीं डालोगे। ऐसा लगता है कि कैद नहीं करना चाहते तुम मुझे। साफ जाहिर है कि वजीर को साथ ले जाना चाहते हो सही सलामत। एक अच्छा खिदमत गुजार है वो तुम। बता देता हूं अगर तुम्हें वजीर कितनी फिक्र है, मेरा उसे फौरन जान से मारने का कोई इरादा नहीं है। उससे तो आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतारूंगा। वजीर आलम शाह को तुम मेरे हवाले करोगे, तुम हथियार डालोगे और कोई हल नहीं। अपनी मजलूम अवाम की उम्मीदों से ताकत मिलती है हमें। हर चीज का एक हतमी हल जरूर होता है। तुम्हारा गोकतूक जब मेरा कैदी था तो उसने बहुत दिलेरी दिखाई। तुमने देखा, मैंने उसका दिल निकाल लिया। उस्मान, इसने हमें धोखा दिया है। वहां कोई जनाजा नहीं था। वजीर आलम शाह, अगर उसे नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? ठीक कहा, हमें वजीर आलम शाह को तलाश करना है। चलें। मेरे भाई का नाम लेने से पहले सोच लेना जरा तमीज से। मैं जानता हूं वजीर से मिलके कौन सा खेल खेला है तुमने। मेरे भाई को तुमने धोखा भी दिया और उसका ओहदा भी छीन लिया। सुल्तान को मारने की कोशिश भी की तुमने और अब इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश की जा रही है। जानते भी हो कि तुमने कितने बेगुनाहों को धोखा दिया है। याद रखो, तुम्हें एक एक करके सबका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन तुमसे पहले वो वजीर, उसके बाद तुम्हारी बारी। सोच समझ कर बात करो उस्मान। तुम्हारी जबान तलवार की तरह तेज है, जबकि अमन व अमान भी चाहते हो। चलो, हो नहीं बात, मुझे वजीर दो और हथियार डाल दो, वरना यहां कोई नहीं बचेगा। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो सोत को चला दूंगा मैं। के हाथू, हथियार डालना जालिमों के सामने बेइज्जती करवाना है और कुछ नहीं। और इस तरह जालिम के सामने बेइज्जत होने की बजाय मौत बेहतर है। तुम नहीं बदलोगे उस्मान। 50 साल भी कम होंगे तुम्हें बदलने के लिए। जिद्दी हो, नहीं बदलोगे। बहुत अनापरस्त हो। 50 ही नहीं,
बीसियों सदियां चाहे गुजर जाए, तुर्क ऐसा ही रहेगा, उसकी जिद ऐसी ही रहेगी, उसका खून ऐसे ही जूगा तू रहेगा। देखा भाई, हमारे हुजूर घातू से कैसे बात कर रहे हैं? क्या बात है मेरे हुजूर आपकी? माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह। सही कहा जनाब, अपने तौर पर उन सब के लिए काफी मजबूत है। बुरान सिपाही, हमने आपको वहां नहीं देखा। मुझे देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे हुजूर को देखे जो गेहातू के सामने सीना तान के खड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर तमाम सिपाहियों को अपने साथ देखना चाहते हैं। तो तुम मरने के लिए तैयार हो? अकेले नहीं मरोगे तुम, बल्कि तुम्हारे सब सिपाही मारे जाएंगे। माना कि तुम तादाद में बहुत हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। एक तुर्क सिपाही तुम्हारे इतने सिपाहियों की गर्दनें उड़ाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आप उस वजीर आलम शाह को मारना चाहते हैं और क्या तू उसे जिंदा देखने का ख्वाहिशमंद है? आपका अंदाजा दुरुस्त निकला। सीना तान के हम लोग लड़ेंगे खून के आखिरी कतरे तक। ये वक्त जंग का वक्त है। जंग जुल्म के खिलाफ है जनाब। हदफ दिखाएं, शाहीन की तरह वार करेंगे। हम ये काम खुशी से करेंगे जनाब। हम गोकतोक और बामती साहब से दोबारा जरूर मिलेंगे। आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपका हुक्म सर खूब है जनाब। मैं एक मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, उसके बावजूद भी ऐसे सिपाहियों के साथ लड़ना और मरना मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ, और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ उस्मान साहब। अरे शुक्रिया कोसिस, शुक्रिया। हुजूर, हमने उसे हर जानिब देख लिया मगर उसका कोई पता नहीं चला। वो कमजर्फ यहीं कहीं करीब ही है, इंतहाई जख्मी है। बिल से अगर बाहर नहीं आया तो अंदर ही मौत वाकई हो जाएगी उसकी। जब दुश्मन जाहिर होता है तो काई के बहादुर सिपाही उन्हें अंधेरे में फना नहीं कर देते, क्या वो उन्हें छोड़ देते हैं? तो बताओ मुझे, उस्मान साहब के सिपाही क्या करेंगे भाई? हाँ वो सुनो, मंगोल जंग के ढोल पीट रहे हैं, तो क्या इस वक्त उस्मान साहब के सिपाहियों को ये सब कुछ सिर्फ देखना चाहिए कि उस्मान साहब की मदद करनी चाहिए? हाँ वो यकीनन नहीं करेंगे, हम भी अपने सरदार के साथ हैं। माशाल्लाह मेरे भाइयों, माशाल्लाह बहुत हो। चलो फिर काई सिपाहियों को चलकर हुजूर का साथ देने का कहते हैं, क्योंकि ये शहादत का वक्त है। चलो भाइयों। शुक्रिया। शहादत का वक्त